लॉन्ग फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि आज और कल मैं आपसे बात करूंगी आपके प्यार की। तो अगर आप जीवन में ढेर सारा प्यार चाहते हैं, हमेशा प्यार में खुश रहना चाहते हैं, तो कसम खाइए कि आज और कल का एपिसोड मिस नहीं करेंगे, क्योंकि ये दो दिन आपका जीवन बदल सकता है। अब सिर्फ बातें ही नहीं करेंगे, काम की बात भी करेंगे। चलिए फिर शो की शुरुआत करते हैं। आज के शो में मैं आपको बताऊंगी सच्ची मोहब्बत आपको कैसे मिलेगी। अगर आपको सही लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा है तो आज के बाद मिल जाएगा। आज पति पत्नी के रोमांस की भी बात होगी, बिल्कुल ठीक समझे आप। और इस प्रोग्राम में आज सिर्फ इश्क इश्क और इश्क की ही बातें होंगी। मोहब्बत के ये अफसाने आपके साथ भी हो सकते हैं, आपकी लाइफ भी इतनी रोमांटिक हो सकती है। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है जो अब मैं बताना शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले आपको अपने मूल अंक के हिसाब से सही लाइफ पार्टनर की जानकारी देती हूँ, लेकिन इससे भी पहले जानिए आपका मूल अंक या आपके पार्टनर का मूल अंक आपको कैसे पता चलेगा। मूल अंक यानी कि डेट ऑफ बर्थ का टोटल। जैसे अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 20, 2+0 हमको सिंगल डिजिट में लेकर आना है, मूल अंक हुआ 2। आपकी डेट ऑफ बर्थ है 27th ऑफ एनी मंथ, तो 2+7 टोटल आ गया 9। तो सिंगल नंबर में जब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को जोड़ेंगे, अगर सिंगल डिजिट है तब तो कोई बात नहीं, डबल है तो जोड़ना पड़ेगा, तो जो सिंगल डिजिट आएगा वही आपका मूल अंक है। ऐसे अपना और अपने पार्टनर का मूल अंक निकालिए। चलिए अब इस वैलेंटाइन आपकी जिंदगी से रोमांस अगर गायब हो गया है तो इसको वापस भर देते हैं। एक एक कर आपके और आपके पार्टनर के मूलांक की बात करती हूँ। अब जानिए मूलांक एक वालों की डेट ऑफ बर्थ कौन सी होगी ऑफ एनी मंथ। 1st, 10th, 19th एंड 28th ऑफ एनी मंथ मूलांक होगा एक। अब जानिए मूलांक एक के वो लोग प्यार के मामले में कैसे होते हैं। इस मूलांक के लोग सच्चे प्यार की तलाश में रहते हैं, बहुत मुश्किल से सच्चा प्यार इनको मिलता है। इनकी चाहत होती है कि इनका पार्टनर इन्हें विश्वास दिलाए कि वो इनका बहुत ध्यान रखते हैं और इनको इम्पोर्टेंस देते हैं। आप जानिए मूलांक एक वालों के लिए सही लाइफ पार्टनर किस मूलांक का होता है। इनके लिए मूलांक 1, 2, 4, 7 या 9 परफेक्ट रहते हैं। अब मैं आपको हर मूलांक का एक शुभ समय बताने जा रही हूँ। आप पति पत्नी हो या लवर्स, कल अपने दिल की बात अपने पार्टनर से ज़रूर कहें। आपको मोहब्बत की बात कल कब कहनी है वो वक्त आज ही जान लीजिए। अगर मूलांक एक वाले कल प्रपोज करने या अपने दिल की बात कहने जा रहे हैं तो उसका शुभ समय भी जान लीजिए। सुबह 8:45 to 9:30 AM और शाम को 4:32 to 6:52 PM। अब मूलांक दो की बात। मूलांक दो के लिए आपका बर्थडे होगा 2nd, आपका बर्थडे होगा 11th, आपका बर्थडे होगा 20th और 29th ऑफ एनी मंथ। अब मूलांक दो वालों प्यार के मामले में कैसे होते हैं ये जानते हैं। मूलांक दो वालों का प्यार निर्मल और कोमल होता है। इनका प्यार दूसरों के लिए चुंबक की तरह काम करता है। ये लोग किसी से प्यार करते हैं तो बहुत गहराई के साथ, और ऐसा ही प्यार अपने लिए भी चाहते हैं। मूलांक दो वालों के लिए सही लाइफ पार्टनर जानिए मूलांक 1, 2, 7 एंड 9। अगर मूलांक दो वाले कल प्रपोज करने जा रहे हैं, दिल की बात कहने वाले हैं, तो शुभ समय जान लीजिए मॉर्निंग 10:33 to 11:37 AM और शाम को 5:11 to 7:43 PM। मूलांक तीन की बात करते हैं। मूलांक तीन का बर्थडे होगा 3rd, 12th या फिर 21st, 21st या फिर 30th ऑफ एनी मंथ। सबसे पहले जानते हैं मूलांक तीन वालों के प्यार के मामले के बारे में। इनके लिए रोमांस प्यार का एक बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनकी लाइफ में प्यार। ये लोग प्यार करने में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करते हैं। ये लोग बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, समर्पित भाव से बिल्कुल सरेंडर करके प्यार करते हैं। अब जानते हैं मूलांक तीन वालों के लिए सही लाइफ पार्टनर कौन सा होगा। मूलांक 1, 3, 6 एंड 9। अगर मूलांक तीन वाले कल प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो कल प्रपोज करने का सही समय जान लीजिए सुबह यानी कि मॉर्निंग में 8:11 to 9:41 AM और शाम को 7:06 to 8:52 PM। अभी तो सिर्फ मूलांक तीन तक की ही बात की है, अभी तो मूलांक चार से लेकर मूलांक नौ तक की जानकारी देनी है, इसी शो पर आगे दूंगी। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, लेकिन अभी एक और ख़ास बात।
आज से मैंने वैलेंटाइन स्पेशल की शुरुआत कर दी है। जी हाँ, तो आज का हमारा पहला महाउपाय भी क्यों ना प्यार से जुड़ा हुआ हो। आपको बताएंगे प्यार बढ़ाने और बनाने वाले अचूक उपाय। तो सबसे पहले बताइए कि क्या आपको डर लगता है कहीं आपका प्यार आपको छोड़ कर ना चला जाए। ऐसे में नारियल, धतूरे के बीज, कपूर को पीस लीजिए। इसमें हनी मिलाइए, हनी जो कि मंगल का कारक है। नियमित इसका तिलक माथे पर लगा दीजिए। छोटा सा तिलक भी आप लगा सकते हैं, इससे आपकी इनसिक्योरिटी दूर होगी, आपका शुक्र मंगल स्ट्रांग होगा और आपको कोई कहीं छोड़कर नहीं जाएगा। अब आगे के मूलांक की बात कर लेते हैं। मूलांक के हिसाब से आप या आपके पार्टनर कैसा प्यार चाहते हैं, आपके लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर का मूलांक क्या होगा और कल वैलेंटाइन डे पर प्रपोज करने का सही समय क्या है, ये सब जानिए। मूलांक 4 है अगर आपका, तो आपकी बर्थडे होगी 4th, आपकी बर्थडे होगी 13th, 22nd और 31st ऑफ एनी मंथ। सबसे पहले जानिए मूलांक 4 वालों को कैसा प्यार चाहिए। मूलांक 4 वाले लोग बहुत रोमांटिक मिजाज के होते हैं। जी हाँ, ज़्यादातर लोग इनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाते हैं, इनके सपने भी बहुत चंचल होते हैं। अब बताती हूँ मूलांक 4 वालों के लिए शादी का सही लाइफ पार्टनर कैसा होगा। मूलांक 4 वालों के लिए 4, 5 और 6 परफेक्ट पार्टनर्स रहेंगे। अगर मूलांक 4 वाले कर प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो अपना लकी टाइम तो जान लीजिए, तो फिर याद दिला दो। अगर आप किसी को प्रपोज कर रहे हैं या शादीशुदा हैं तो अपने पति या पत्नी के मूलांक के हिसाब से पार्टनर से सही समय पर प्यार की बात करें। टाइम सिर्फ लवर्स के लिए नहीं होता, पति पत्नी के लिए भी होता है। खैर, आपका लकी टाइम है मॉर्निंग 10:36 to 12:44 PM और इवनिंग 4:44 to 7:37 PM। मूलांक 5 के लिए आपका बर्थडे होगा 5th, 14th or 23rd ऑफ एनी मंथ। सबसे पहले जानिए मूलांक 5 वाले लोग प्यार के मामले में कैसे होते हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं। ये लोग किताबों और फिल्मों से प्यार करना सीखते हैं, अच्छा प्यार पाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन प्यार में समझौता नहीं करते। कहते हैं सागर की बाहों में जितनी मौजें होती हैं उतना ही प्यार में अपने पार्टनर के लिए डूबना चाहते हैं, उनसे उतना प्यार करते हैं। मूलांक 5 वालों के लिए सही लाइफ पार्टनर होता है जिनके मूलांक होते हैं मूलांक 1, 5, 6 or 8। अब मूलांक 5 वालों के लिए कल के प्रपोज का सही समय जान लीजिए। मॉर्निंग 9:51 to 11:31 AM और शाम को 6:34 to 7:54 PM। अब हम बात करेंगे मूलांक 6 की। मूलांक 6 के लिए आपको डेट ऑफ बर्थ होगा 6th, 15th or 24th ऑफ एनी मंथ। तो जानते हैं मूलांक 6 वालों के लिए प्यार का मायने क्या है, कि कैसा प्यार चाहते हैं, कैसा प्यार करते हैं। ये लोग सच्चे और व्यवहारिक प्यार में विश्वास रखते हैं, इमोशनल होते हैं, जल्दी पिघल जाते हैं। प्यार के मामले में ये गहराई में उतरने में विश्वास करते हैं। अब इनके लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर्स कौन से मूलांक के लिए रहेंगे। इनके लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर्स का मूलांक होना चाहिए 3, 6 or 9। मूलांक 6 वालों के लिए प्रपोज का सही समय भी जान लीजिए, कल दोपहर 2:11 to 3:43 PM और इवनिंग में 5:46 to 7:31 PM। अब आज के दूसरे महाउपाय की बात करते हैं जो वैलेंटाइन से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, क्या आपके पति आपकी तरफ आकर्षित नहीं होते हैं। तो एक केले से आप गोरोचन केले ले लीजिए, उसमें गोरोचन मिलाकर एक लेप बनाइए। इस लेप को रात के वक्त अपने सिर पर यहाँ पर लगाइए। ऐसा करने से आकर्षण शक्ति बढ़ जाती है। जब आपकी आकर्षण शक्ति बढ़ती है, बेसिकली गोरोचन जो है वो आपको आपके ऑरा को बढ़ा देता है, इससे सामने वाला आपसे दूर नहीं रह पाता। मुझे मालूम है 7, 8 or 9 मूलांक वाले दर्शक बहुत देर से अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। चलिए उनका इंतज़ार खत्म कर देते हैं, मूलांक 7 से बात की शुरुआत करते हैं। मूलांक 7 के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 7th, 16th or 25th ऑफ एनी मंथ। अब इनकी लव लाइफ कैसी होती है, क्या करते हैं, क्या चाहते हैं अपने पार्टनर से, ये भी जान लेते हैं। ये लोग बहुत ही बैलेंस प्यार पाना चाहते हैं, यानी कि जितना प्यार ये देते हैं उतना ही एक्सपेक्ट भी करते हैं। प्यार के मामले में पूरी ईमानदारी दिखाते हैं। मूलांक 7 वालों के लिए सही पार्टनर रहेगा जिसका मूलांक होगा 1, 2, 7 और 9।
अब ये वक्त हो गया है कि ये जान लें कि कल प्यार का इजहार किस समय करना है। सही समय है सुबह 9:08 to 11:22 AM और दोपहर में 2:11 to 3:37 PM। मूलांक 8 की बात करते हैं। मूलांक 8 के लिए आपका बर्थडे होगा 8th, आपका बर्थडे होगा 17th या फिर 26th ऑफ एनी मंथ। जानते हैं मूलांक 8 वालों की लव लाइफ क्या राज खोलती है। ये लोग अपने पार्टनर के लिए एक पहेली सी होते हैं। इनको समझना आसान नहीं है, लेकिन हाँ, प्यार को लेकर इनके मन में तूफानी जुनून होता है। सही लाइफ पार्टनर इनके लिए रहेगा मूलांक 5 and 6। कल प्रपोज अगर करना है, करना ही है, तो सही टाइम क्या है? आफ्टरनून 1:33 to 3:52 PM और इवनिंग में 5:21 to 8:12 PM। अब बात करेंगे आखिरी मूलांक, मूलांक 9 की। मूलांक 9 के लिए आपका बर्थडे होना चाहिए 9th, 18th और 27th ऑफ एनी मंथ। इन्हें कैसे पार्टनर पसंद हैं? ऐसे लोग प्यार को दोस्ती में बदल कर या दोस्ती को प्यार में बदल कर जीवन साथी बनाना पसंद करते हैं। इनका विश्वास बहुत मजबूत होता है। प्यार के इजहार के मामले में ये लोग थोड़े शर्मीले होते हैं। सही लाइफ पार्टनर के लिए मूलांक होना चाहिए 1, 3, 6 and 9। कल इन्हें प्रपोज करना है, दिल की बात कहनी है, तो समय है मॉर्निंग 8:11 to 11:09 AM और शाम को 6:16 to 9:12 PM। अब वैलेंटाइन से जुड़े तीसरे महा उपाय की बात कर लेते हैं। क्या पति या प्रेमी के साथ प्यार कम हो रहा है? तो आपके उनको प्यार को आप अगर कम कर रही हैं या प्यार बढ़ाना चाहती हैं, तो श्री कृष्ण को याद करते हुए 3 इलायची अपने हाथ पर या अपने लेफ्ट हैंड में 5-10 मिनट के लिए रखकर आप शुक्रवार के दिन उसको छुपा कर रख सकते हैं। जैसे कि आप अगर साड़ी पहनती हैं तो आप बाजू पर यहाँ पर चढ़ा दीजिए या पल्लू में बांध कर रख सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकती हैं। और अगर दूसरे कपड़े पहनती हैं तो आप रुमाल में भी उसको रख सकती हैं। मतलब कोशिश करें कि आपकी स्किन को टचिंग हो। फिर सैटरडे की सुबह इलायची पीस कर इसको किसी भी मीठे में मिलाकर अपने हस्बैंड को चाय में या डिज़र्ट में खिला दें। 3 शुक्रवार में अंतर दिखने लगेगा। शादी में 7 फेरे लेते ही आपने कई बार देखा होगा, लेकिन अगर आप रोमांस को बनाए रखना चाहते हैं तो आपको अपने पार्टनर को 7 वचन देने होंगे। इस वैलेंटाइन को सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन ये 7 वचन देना नहीं भूलिए। पहला वचन, तीर्थ यात्रा पर हमेशा अपने लाइफ पार्टनर को लेकर जाने का वचन लीजिए। कोई भी व्रत उपवास लाइफ पार्टनर के साथ ही करें। दूसरा वचन, लाइफ पार्टनर के परिवार का सम्मान करने का वचन लें और दें भी। तीसरा वचन, पूरी लाइफ एक दूसरे की केयर करने का वचन लें और दें। चौथा वचन, फ्यूचर में आने वाली जिम्मेदारियां अच्छी तरह से निभाने का वचन। पांचवा वचन, इम्पॉर्टेंट डिसीजंस में लाइफ पार्टनर की सलाह लेने का वचन। सिक्स्थ वचन, दूसरों के सामने लाइफ पार्टनर की इंसल्ट ना करने का वचन। सातवां वचन, किसी दूसरे मेल या फीमेल की वजह से लव लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट ना करने का वचन। अब आज के चौथे महा उपाय की बात कर लेते हैं। ये भी वैलेंटाइन से ही जुड़ा हुआ है। क्या आपका प्यार आपको नहीं मिल रहा है, किसी और के हिस्से में जा रहा है? भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की मूर्ति या फोटो के सामने शुक्ल पक्ष में थर्सडे के दिन ओम लक्ष्मी नारायण नमः मंत्र की 3 माला स्फटिक की माला का जाप करें और 3 महीने तक हर गुरुवार को मंदिर में प्रसाद चढ़ाएं। अगर वो आपके लिए सही है तो आपको जरूर मिलेगा। दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हैं? किसी लड़की के दिल को समझना। सारे पति मेरी बात तुरंत मान चुके होंगे, क्योंकि हर पति को पत्नी से यही शिकायत रहती है। चलिए इस वैलेंटाइन डे पर हर पति, हर बॉयफ्रेंड या यूं कहें हर मर्द को वो फॉर्मूला बता देती हूँ, जिससे वो फीमेल्स को समझ पाएंगे। आपको बताती हूँ कि किस महीने में जन्मी महिलाएं कैसी होती हैं। देखिए, जनवरी में जिन फीमेल्स का बर्थ होता है वो शार्प माइंडेड होती हैं, गुड स्पीकर होती हैं, थोड़ा गुस्सा करने वाली होती हैं, वेल्दी होती हैं। जिन फीमेल्स का बर्थडे फरवरी में आता है वो पतिव्रता होती हैं, अच्छी नेचर की होती हैं, वेल्दी होती हैं, सेविंग करना पसंद करती हैं।
मार्च में जिन फीमेल्स का बर्थडे आता है वो शार्प माइंडेड होती हैं, वेल्दी होती हैं और धार्मिक होती हैं। अप्रैल में अगर किसी फीमेल का बर्थडे आता है तो वो सिंपल बिहेवियर वाली होती हैं, पैसों की कमी इनको रहती ही है, झूठ पसंद नहीं करती हैं। मई में जिनका बर्थडे आता है ज़्यादातर फैट बॉडी वाली होती हैं, गलती पर माफ जल्दी से कर देती हैं, धार्मिक होती हैं और सुंदर होती हैं। जून में जिनका बर्थडे आता है वो सुंदर स्वभाव की होती हैं, घर की देखभाल करने वाली होती हैं, खुश मिजाज होती हैं और मीठा बोलने वाली होती हैं। जुलाई में जिनका बर्थडे आता है वो सुखी होती हैं, धनी होती हैं, अच्छी नेचर वाली होती हैं और धार्मिक होती हैं। अगस्त में जिनका बर्थडे आता है वो डिवियस नेचर की होती हैं, बहुत क्लेवर होती हैं, ज़्यादातर बातों में सच झूठ मिक्स होता है। सितंबर में जिनका बर्थडे आता है वो धार्मिक होती हैं, कार्यकुशल, वेल्दी और मीठा बोलने वाली। अक्टूबर में जिनका बर्थडे आता है इनमें गुस्सा बहुत होता है, थोड़ा ईगो भी रहता है, थोड़ी शरारती भी होती हैं। नवंबर में जिनका बर्थडे आता है वो फाइनेंशियली अच्छी, सौभाग्यशाली, कड़वा मगर सच्चा बोलने वाली होती हैं। और दिसंबर में जिनका बर्थडे आता है वो सर्वगुण संपन्न, सुखी, धार्मिक। तो अगली बार आप किसी महिला से रिलेशनशिप शुरू करने वाले हों तो पहले डेट ऑफ बर्थ जान लीजिए, बर्थ के महीने से आपको पता चल जाएगा कि ये कैसी हैं और क्या चाहती हैं। चलिए पांचवें महाउपाय की बात करते हैं जो आपके प्यार से ही है जुड़ा हुआ। एक बात बताइए, क्या आप किसी भी दिन या रात को अपने लवर से मिलते हैं, मिलने का कोई वक्त नहीं है? तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। शनिवार और अमावस के दिन आपको नहीं मिलना चाहिए। अगर शादी हो गई है तो रोज़ ही मिलना है, नहीं हुई है तो इन दो दिन अवॉइड करें। इन दिनों में अगर आप मिलते हैं तो मिलने में किसी भी बात पे आपस में विवाद हो सकता है, एक दूसरे की कोई भी बात बुरी लग सकती है और लव कनेक्शन खत्म भी हो सकते हैं। इसलिए लवर्स को कोशिश करना चाहिए कि अमावस की रात को नहीं मिलें और शुक्रवार और पूर्णिमा को ज़रूर मिलें, प्रेम और आकर्षण बढ़ता है इससे। एंटरटेनमेंट की बात तो चलती ही रहेगी, लेकिन कल को भी तो अच्छा करना है और खास वैलेंटाइन डे है, कल के दिन ऐसा क्या करें कि कल का दिन हो जाए सुपर लकी? जानिए अपनी राशि के हिसाब से। अगर आपको अपनी राशि नहीं पता, अपना मून साइन नहीं पता, तो अपने नाम के पहले अक्षर के हिसाब से भी आप अपनी राशि को देख लीजिए और फिर कीजिए ये टिप और कमाल देखिए। चलिए सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग, कल दुर्गा कवच का पाठ जरूर कीजिएगा आप लोग और लक कल आपका साथ दे रहा है 80%। वृषभ राशि वाले लोग, कल गणेश जी की दूर्वा उनको, गणेश जी की दूर्वा उन्हीं को अर्पित करें और किस्मत आपका साथ दे रही है कल 76%। मिथुन राशि के लोग, कल दाएं हाथ में कलावा जरूर बांधें फॉर प्रोटेक्शन और आपका लक आपका साथ दे रहा है कल 71%। कर्क राशि के लोग, कल मजदूरों को भोजन कराएं, खुशकिस्मती साथ चलेगी, आपका लक आपका साथ दे रहा है 75%। सिंह राशि के लोग, लियोस, कल गरीबों को लड्डू दान करें और जहां तक किस्मत का सवाल है वो आपका साथ दे रहे हैं 82%। कन्या राशि के लोग, कल अनार खाएं और गरीबों में बांटें और जानते हैं किस्मत आपका साथ कितना दे रही है कल 79%। तुला राशि के लोग, दिन को लकी बनाने के लिए घर में गणपति जी की फोटो लगाएं या फोन पर स्क्रीन सेवर लगाएं और लक आपका साथ दे रहा है कल 84%। वृश्चिक राशि वाले लोग, स्कॉर्पियंस, मंदिर में धूप का दान करें और किस्मत आपका साथ दे रही है 73%। धनु राशि के लोग, कल के दिन गाय को पालक खिलाएं और किस्मत आपका साथ दे रही है 65%। मकर राशि के लोग, कल के दिन गायत्री माँ का यज्ञ करें, उनको याद करें, आप मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, लक साथ दे रहा है 69%। कुंभ राशि के लोग, कल के दिन तुलसी को जल जरूर देना है आपको और आपकी किस्मत आपका साथ दे रही है एवरेज 61%। मीन राशि के लोग, कल माथे पर चंदन का तिलक लगाएं, गुड न्यूज मिलेंगी और किस्मत साथ दे रही है आपका 59%। आज के लिए इतना ही, लेकिन कल समय से पहले आइएगा और कॉपी पेन लेकर आइएगा, क्योंकि कल बात होगी प्यार की, लेकिन बड़े ही ट्विस्ट एंड टर्न्स वाले प्यार की। कल जिसको भी जिंदगी में प्यार की जरूरत है वो शो मिस नहीं कर सकता। कल मिलती हूँ और बहुत सारी तैयारियों के साथ आऊंगी। ख्याल रखिए, बाय बाय।
टेक केयर।